एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। हाँ नहीं, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पिछले 35 दिन हो गए, एक महीने से ज़्यादा हो गए, और सरकार से बातचीत होगी, आज करेंगे बात उनसे। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। अच्छा हित कैसे, मतलब हित होता तो हम ही नहीं कानूनों को ना मान लेते। ये तो किसानों के बर्बादी के कानून हैं, ठीक है। किसान कैसे बर्बाद होगा देश का, ये कानून के दायरे में ले आए इसको, वो नहीं मानने का, ना देश का किसान मानने का। ये देश के किसानों की लड़ाई है भाई, क्यों ले आए इस तरह के ये बिल। हम तो चल रहे हैं ना, हम तो गांव से दिल्ली तक आ गए भाई, गांव से हम दिल्ली तक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खेत में बीज बो के और उसका 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद में वह फसल बर्बाद हो जाती है, फिर अगली फसल का इंतज़ार करें हम। हम तो 10 साल तक भी उस खेत में खेती करते हैं जहाँ से कोई आमदनी नहीं होती। तो यहाँ तो आए हैं अभी तो 1 महीना हो गया, 1 ही महीना तो हो गया भाई। हम तो गेहूँ बो के आ गए, गेहूँ में जब पक जाएगा अप्रैल में, जब ओला पड़ जाएगा गेहूँ ख़त्म भी हो जाता है, तो हम तो 4 महीने का तो उसी का इंतज़ार करें फसल का ही। ये तो आंदोलन है, अभी तो 1 ही महीना हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी किसी को, कोई परेशान नहीं होता भाई। वो बताओ, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे भाई, वे भी आता पता लेने तो आएंगे ना गांव के लोग भी, के सरकार कर रही या नहीं कर रही, आओगे गांव के आदमी। तो क्या इसमें आप लोग आगे की रणनीति कुछ तैयार करेंगे? हाँ रणनीति तो है, वे गांव के कह के जाएंगे कि हटना नहीं, और हम तैयार बैठे। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।